हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके चैनल ड्रीम इलेवन डॉक्टर में एक बार फिर से। तो फिर से एक रेगुलर विनिंग करने आ रहे हैं हम, और काफ़ी अच्छी विनिंग्स हो रही है हमारी रेगुलर, आप जाके देख सकते हो। और जो फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है, रेगुलर विन कर रहे हैं। तो अब जो मैच कवर करने जा रहे हो, कल बिग बैश का मैच होने वाला है, सिडनी सिक्सर्स वर्सेस मेलबर्न स्टार्स का मैच होने वाला है। तो ये मैच को हम कवर करेंगे और उसकी पूरी डिटेल के बारे में बातें करेंगे। और इससे पहले जो हमारे चैनल में नए नए आए उनको पता होना चाहिए आप वो किसे फॉलो कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हर किसी का जो फैंटेसी खेलता है उसका ड्रीम होता है कि ग्रैंड लीग विन करे, और मैंने 3 हफ्ते पहले ही विन करी है। तो दिस इज़ नॉट जस्ट फॉर शो ऑफ, दिस इज़ फॉर यू जस्ट फॉलो मी। और जो चैनल में नए नए आए हैं तो उनके लिए, और ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देख सकते हो आप यहाँ मेरे प्रोफाइल में जाके रिफ्रेश करके देख सकते हो, तो ये 92 पॉइंट देख सकते हो आप पूरे। तो अब आते हैं मुद्दे पे। जो अगर आप हमारे YouTube चैनल में नहीं आए और आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा, जहाँ आपको स्मॉल लीग्स की, सिर्फ स्मॉल लीग्स की फ्री टीम्स मिलती हैं, इसको ज्वाइन कर लो। यहाँ पे आपको टॉस के बाद जो फाइनल टीम होगी वो मिल जाती है, प्लस जो भी ऐप, मतलब ए टू जेड सारी चीज़ें यहाँ मिलती है, रेफर कोड, किसी ऐप का लिंक, सारी बातें, जो वीडियो बनाने का जो चेंजेस होते हैं, कुछ भी चीज़ होती है तो वीडियो आपको यहाँ मिलेंगी। तो आपको सर्च करना है ये टेलीग्राम पे ड्रीम इलेवन डॉक्टर, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नाम भी दिखाई दे रहा होगा और यहाँ ऊपर भी लिखा है 1400 होने वाले सब्सक्राइबर्स। तो आप इसे जाके ज्वाइन कर लो, फ्री टीम मिलती है। और आज की हमारी विनिंग देख भी सकते हो, कितना अच्छा मैच रहा हमारे लिए। हमें वेस एगर ने और हीड ने वन साइडेड विन करवा दिया, और यही बस बोलने का था, एगर को कोई लेके नहीं आ रखा था, तो हमने अच्छा खासा विन कराया वन साइडेड। तो आते हैं हम मुद्दे पे। तो जो इस पिच पे जो एवरेज स्कोर है वो है 160+, मतलब 160-170 के बीच का स्कोर है। तो मतलब एक है कि एवरेज बैटिंग पिच है, यहाँ पे बॉलर्स को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट है, तो यहाँ पे आप ले सकते हो, थोड़ा बॉलर को प्रेफर कर सकते हो ग्रैंड लीग वगैरह में। तो यही है। और अब दूसरी बात करें हम कि यहाँ पे स्पिनर्स और पेसर्स को, दोनों को बराबर हेल्प है। अगर पूरे मैच में 10 विकेट गिरते तो 5 पेसर्स को और 5 स्पिनर्स को, ज़्यादा ज़्यादा अगर पेसर्स डेथ में बॉलिंग करते हैं, जैसे डॉशियस करता है डेथ में बॉलिंग, बर्ड करता है, करन करता है, तो ये जो पेसर्स हैं उनको थोड़े विकेट मिल जाते हैं, क्योंकि डेथ में लास्ट ओवर में बॉलिंग करते हो। तो यहाँ रेशियो ज़्यादा कह सकते हैं 7-3, 7-4 का रेशियो हो सकता है, मतलब 11 विकेट गिरते हो 7 वीडियो को, 7 पेसर्स को मिलेगी और 3-4 विकेट मिलेगी स्पिनर्स को, तो ये हो सकता है। तो एक सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में मैच है, तो एक एवरेज स्कोर देखने को मिल सकता है 160-170 का। तो यहाँ पे बैटिंग भी ठीक पिच है, ना कोई अच्छी, इतनी अच्छी बैटिंग भी नहीं है, ना बेकार है, मतलब एवरेज पिच है, मीडियम पिच है। तो दोनों को हेल्प है पेसर्स और स्पिनर्स को। तो एक प्लेयर की बात करते हैं पूरे वीडियो में खोल खोल के। यहाँ पे अगर एवन डेनो के बारे में बताया, तो पिछले मैच थोड़ा नीचे बैटिंग करने आया था, पर इसने अपनी टीम में से सबसे ज़्यादा रन नहीं मारे थे। तो अब हर मैच में होता है नहीं, इतना इनका बढ़िया प्लेयर था ह्यूजेस, वो रन आउट हो गया था, मॉरिस ने किक मारी थी बॉल पे जो विकेट पे जाके लग गई थी, तो इनका बहुत अच्छा प्लेयर है मुझे लगता है ह्यूजेस। तो एवन डेनो को आप ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग के लिए मत करना, क्योंकि इसके अब डाउन भी नीचे कर दिया उन्होंने बैटिंग का। ओपन करता था हम ले भी सकते थे एक बार के लिए, बट नहीं, इस ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हो। यहाँ पे बर्ड की बात करें तो बर्ड एक सबको पता है कि कितना बढ़िया प्लेयर है बर्ड। यहाँ पे इसको कर लेते हैं हम कलर को चेंज। तो बर्ड की बात करें हम, तो बर्ड एक क्लास बॉलर है, पिछले बच्चे हमने इसको लिया था, तो एक विकेट इसने निकाल के जीती और हमें अच्छा खासा, मतलब कोई और ज़्यादा किसी और प्लेयर ने ज़्यादा विकेट नहीं ली थी, इसने एक विकेट ली थी, तो हमारे पॉइंट अलग से ऊपर हो गए थे। तो मुझे अच्छा लगता है कि स्टार्टिंग में 2 ओवर डालेगा, डेथ में 2 ओवर डालेगा, तो इसका फ़ायदा मिल सकता है हमें। स्टार्टिंग में इसकी स्विंग भी अच्छी होती है, और डेथ में अगर एक आधा ओवर डालेगा तो विकेट भी मिल जाती है, तो एक कंप्लीट बॉलर बन जाता है अगर स्टार्टिंग में और डेथ में बॉल डालता है। करण की बात करें तो एक बिग बैश में एवर ग्रीन, मतलब बहुत टाइम से, 2 साल से एक कंप्लीट ऑलराउंडर की तरह खेल रहा है ये, बैटिंग से भी परफॉर्मेंस देता है, बॉलिंग से भी, एक आधा विकेट जरूर लेके आता है, प्लस बैटिंग में भी परफॉर्मेंस अच्छी करी है इसने। तो हम इसको स्मॉलिंग में कैप्टन जरूर, वाइस कैप्टन जरूर करेंगे करण को। तो डॉशियस की बात करें, ये मैंने कहा था कि पिछले मैच बैटिंग नहीं तो बॉलिंग से पॉइंट दे जा रहा है, पिछले मैच इसने बॉलिंग से नहीं दिया तो शायद, तो बैटिंग से पॉइंट दे गया था ये, तो मैंने कहा था ये कुछ ना कुछ पॉइंट दे के जा रहा था, हमें पॉइंट से मतलब चाहे बॉलिंग से दे बैटिंग से दे, इसको स्मॉलिंग में छोड़ना रिस्की हो जाता है। तो एम एडवर्ड्स की बात करें, भले इसका डाउन नीचे पर बैटिंग अच्छी कर लेता है ये। एम मिकी एडवर्ड्स की बात करें तो जैक एडवर्ड्स जो अंडर-19 प्लेयर था 2 साल पहले, उसका भाई है, तो इसको ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं, स्मॉल लीग की इतनी अच्छी पिक नहीं है। तो यहाँ पर बात कर सकते हैं हम मोइसेस हेनरिक्स की, तो एक पार्ट टाइम बॉल, मतलब बॉलर भी पूरे 4 ओवर डालता है, एक आधा ओवर बीच में आके कभी डाल देता है, और बैटिंग में भी कहीं कंसिस्टेंट नहीं दिखा रहा अभी ये, मतलब अच्छा प्लेयर है, मतलब ऑस्ट्रेलिया का इंटरनेशनल प्लेयर है, तो एक इंटरनेशनल प्लेयर है, प्लस IPL में भी इसने सनराइजर्स हैदराबाद वगैरह से खेला हुआ है, तो एक अच्छा प्लेयर है, तो कभी भी चल सकता है। तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर सकते हो इसको, एक कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस भी कर सकते हो, एक बहुत, मतलब एक सुलझा हुआ प्लेयर है, T20 प्लेयर भी आ चुका है इंटरनेशनल का, तो एक सुलझा हुआ प्लेयर है, तो और जब अच्छा खेलेगा तो अच्छा भी खेलता है, मतलब ऐसा नहीं है कंसिस्टेंट, अगर 4 मैच
10 मैच हो रहे हैं, उसमें से ये 7 मैच में अच्छा खेलेगा, 3 मैच में फ्लॉप होगा। तो ऐसा प्लेयर है ये, तो उसको छोड़ना कई बार रिस्की हो जाता है, तो इसको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों की पिक बन जाता है। ह्यूजेस की बात करें, इनकी टीम का स्टार बैट्समैन जो है वो ह्यूजेस ही है, क्योंकि इसने ऑस्ट्रेलिया का जो 50 करोड़ का मैच होता है डोमेस्टिक में, क्या कहते हैं उसे, मार्च कप में इसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, 2 बार 150 रन मारे इसने तो, और कंसिस्टेंट बीप कैच में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता हुआ आ रहा है, तो एक कंप्लीट बॉलर प्लेयर बैट्समैन बन जाता है, ओपनर है प्लस, तो इसको मैं स्मॉल लीग में तो कभी छोड़ के जाऊँगा नहीं। प्लस इसको रिस्की ग्रैंड लीग टीम में कैप्टन वगैरह भी कर सकते हो। और लायन की बात करें तो एक लायन की मैंने बताई बात है कि लायन ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट शायद इस बार तो टेस्ट मैच ऑफ द ईयर या डेकेड में भी इसका नाम है, तो मतलब एक स्पिनर का इतना डेकेड वगैरह में या स्पिन ऑफ द ईयर में टेस्ट मैच में नाम होना बहुत बड़ी बात होती है, तो इसका तो आप इसको स्मॉल लीग वगैरह में ले सकते हो। अगर आप कल थोड़ी बहुत पिच को स्पिन को भी सपोर्ट करती है तो ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना एक बार नथन लॉयन को। और यहाँ पे आए स्टीव ओकीफ की, तो मैंने बताया था कि अभी इस साल से तो मतलब पिछले साल तक तो ये बहुत अच्छा खेलता था, बट इस साल से ये बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है, बैटिंग भी अच्छी कर लेता है ये, जैसे डॉशियस है बैटिंग भी अच्छी कर लेता है डॉशियस की तरह, और मतलब डॉशियस से ज़्यादा अच्छा बैट्समैन है ये, मतलब ये रुक के खेलना भी जानता है डिफेंस। और स्पिनर लेफ्ट आर्म है, तो एक पिछले साल क्या होता है, हर मैच में स्टार्टिंग में बॉलिंग डालता है, एक आधा विकेट दे के जाता था, बट इस साल इसका कोई अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, तो इसको ग्रैंड लीग में ट्राई करना कर सकते स्मॉल लीग की पिक नहीं है। जॉर्ज फिलिपी की बात करें, उसका बैंगलोर ने इस बार ओपन बैंगलोर ने भी इसको IPL में खरीदा है, तो ये ओपन भी कर रहा है और काफ़ी कंसिस्टेंट प्लेयर है, तो इसको ग्रैंड लीग में एक बार कैप्टन जरूर वाइस कैप्टन जरूर कर सकते हो, प्लस स्मॉल लीग में तो हमें छोड़ के जाना नहीं है। पोपे की बात करें तो पिछले 2 साल पहले जो अंडर-19 वर्ल्ड कप स्टार्ट हुआ था उसमें इसने एक मैच में इंग्लैंड के अगेंस्ट 8 विकेट ली थी, तो एक उसने सरप्राइज कर दिया सबको अपनी बॉलिंग से, तो एक अच्छा पिक है इसमें। दो मैच अभी बिग मैच में भी 2-3 मैच पहले दो दो लगातार दो दो तीन तीन विकेट ली थी, उसको स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों में ले सकते हो। और यहाँ पर जॉर्डन सिल्क की बात कर सकता हूँ मैं, तो आपको बता देता हूँ मैं, जॉर्डन सिल्क एक ऐसा बैट्समैन है जब भी इनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप होता है तो ये बंदा हमेशा रन मारता है, संकट मोचन है इनका ये, तो मैंने इसको बहुत बार देखा यार, जो 50 ओवर का मैच है उसमें तो मैंने हमेशा देखा ऐसे करते हुए ये, और T20 में भी ये कई बार करता हुआ देखा मैंने, तो इसको अगर इनका सोच के चल रहे हो कि कल इनका टॉप ओवर ऑर्डर फ्लॉप होगा दोबारा, तो इसको आप ले सकते हो अपनी टीम में, बहुत अच्छा बैट्समैन है, 50 वगैरह रन मार जाएगा। विंस की बात करें तो इंग्लैंड का एक इंटरनेशनल प्लेयर है ये, इंग्लैंड का एक इंटरनेशनल प्लेयर होने के कारण उसमें एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है, और प्लस काफ़ी कंसिस्टेंट बैट्समैन है, तो इतना कोई अच्छा फॉर्म चल नहीं रहा बिग बैश में इसका, बट नाम बड़ा है प्लेयर बड़ा है, तो कभी भी इसको स्मॉल लीग में छोड़ना बहुत रिस्की होता है, उसको भी छोड़े बिना जाएंगे नहीं। तो आते हैं दूसरी टीम की बात, तो हम बात करते हैं मेलबर्न स्टार्स की, तो ये बिल्कुल टॉप में चल रही टीम, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रखी है इस टीम ने, तो मतलब इसने तो अपने प्लेयर को भी रेस्ट देना चालू कर दिया, मतलब ऐसा टीम है कि अगर किसी प्लेयर को, जैसे कि कल पिछले मैच में इसने मेडिसन से 4 ओवर करवा लिए, तो ये कभी भी किसी को प्लेयर को, जैसे किसी और को बॉलिंग ही नहीं दी इसने, मैक्सवेल और मेडिसन ही 4-4 ओवर करके चले गए बताओ, तो मैक्सवेल सबको पता है इसको मैं कैप्टन वाइस कैप्टन जरूर करके जाऊंगा, अगर इनकी बैटिंग पहले होती तो कैप्टन जरूर करके जाऊंगा मैं, और वाइस कैप्टन भी कर सकता हूं, तो बैटिंग प्लस बॉलिंग से पॉइंट दे रहा है, पूरा ओवर डाल रहा है प्लस बैटिंग भी कर रहा है, और यहाँ पे हिल्डन कार्टराइट कंसिस्टेंट बहुत अच्छा रन मार रहा है ओपनिंग में आकर, इसको स्मॉल लीग में छोड़ना बिल्कुल नहीं है, ये पहले इंटरनेशनल भी खेल चुका है, कुछ बीच में कुछ महीने के लिए इंटरनेशनल खेला है, बट इतना कंसिस्टेंट नहीं रहा है ये हिल्डन कार्टराइट, तो इस सीजन में बहुत अच्छा लग रहा है बैटिंग करते हुए, परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है, हर मैच में रन मार रहा है। जैक्सन कोलमैन की बात करें तो वापस इसको स्क्वाड में ऐड कर लिया गया, तो ये कल खेलेगा, तो मैंने पहला मैच था जिसको पिछला मैच इसको हमने स्मॉल लीग की टीम में जिसने 3 विकेट निकाले थे, हाईएस्ट पॉइंट थे इसके पूरी फैंटेसी में, तो मैंने पहले ही बोल दिया था कि आपको जैक्सन कोलमैन रिमेंबर द नेम, इसने करके दिखा दिया, अब सबको पता चल गया जैक्सन कोलमैन कौन है, तो वही होता है कि ग्रैंड लीग जैसी मतलब एक्सपीरियंस ग्रैंड लीग वगैरह में तो भाई ऐसी परफेक्ट मूवमेंट का वेट करना पड़ता है अगर विन करना है तो। और बेन डंग की बात करें, बेन डंग भाई इसको द्वारा स्क्वाड में ऐड कर दिया गया, प्लस ये इतना अच्छा फॉर्म में चल नहीं रहा है, तो हम मेडिसन को लेके जाएं, क्या पता कल से दोबारा बॉलिंग करवा दे, डंक को एक बार ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि इसका मजांसी सुपर लीग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बस ये बिग बैश में बिल्कुल फ्लॉप चल रहा है, क्योंकि इसको पहले नीचे बैटिंग कराई फिर इसको ऊपर बैटिंग कराई, तो ये मतलब भटक सा गया है, परफॉर्मेंस ही नहीं कर पा रहा है। सैफ गॉच की बात करें तो ग्रैंड लीग में करना वो भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास अपोजिट टीम का एक अच्छा विकेट कीपर है जिसका नाम है जॉर्ज फिलिपे। यहाँ पे बात करें तो हम क्लिंट हिंचक्लिफ की तो बात करें तो ये स्पिन वगैरह से अच्छी बॉलिंग कर रहा है, इसको आप क्रेडिट वगैरह एडजस्ट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो स्मॉल लीग में, प्लस ग्रैंड लीग में अपनी टीम में ले सकते हो, स्पिन बॉलर है तो कल स्पिन को थोड़ा पिच सपोर्ट भी हल्का हल्का फुल्का कर रही है।
संदीप लामी छाने की बात करें तो संदीप की बात करें तो एक संदीप भी स्लैग स्पिनर है और एक कंसिस्टेंट विकेट लेके जा रहा है हर मैच में, तो इसको स्मॉल लीग में जरूर लेना है, प्लस ग्रैंड लीग में भी ले सकते हो। यहाँ पे निक लार्किन की बात करें, निक लार्किन कंसिस्टेंट बैट्समैन है पर इसका ऑर्डर नीचे कर दिया बैटिंग का, बैडमिंटन आ गया, डंक आ गया, तो इसका बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे कर दिया। तो ये ऐसा प्लेयर अगर इसको फर्स्ट डाउन में खिलाओगे तो ही परफॉर्मेंस अच्छा कर सकता है, ये हिटिंग बैट्समैन ये तो नीचे भेजोगे तो ये वेस्ट हो जाएगा। तो स्मॉल लीग में तो ट्राई मत करना, ग्रैंड लीग में जरूर ट्राई करते हो अगर सोचते हो कि इनका ओपनिंग ऑर्डर जल्दी कल गिरता है, जैसे स्टोइन्स वगैरह जल्दी आउट होते हैं। निक मेडिसन की बात करें तो इसने पिछले मैच 4 ओवर डाले और 3 विकेट ले गया, प्लस बैटिंग में तो वही फ्लॉप ही चल रहा है अभी तक है, बट अब ऊपर बैटिंग कर रहा है प्लस 4 ओवर डाल रहा था, इसको स्मॉल लीग में छोड़ना रिस्की होता है, इसलिए इसको हम लेके जाएंगे या फिर टॉस किया तो आपको बता दूंगा मैं टेलीग्राम पे। मार्लो की बात करें, इसको मैरलो तो ये भी अंडर 19 प्लेयर था 2 साल पहले, तो अब खेल नहीं रहा, खिला नहीं रहे थे, तो जब खेलेगा तब बात करेंगे इसकी, क्योंकि वहाँ ज़्यादा फिर बात करके फ़ायदा नहीं है, ऑलराउंडर है ये। और लेंस मॉरिस की बात करें तो इसको ग्रैंड लीग में कर सकते हो अगर खेलता भी है, तो मेरे ख्याल से खेलेगा नहीं शायद, या फिर खेलेगा तो जी खेल जाएगा शायद, इसकी जगह बन सकती है कल्टर नाइल नहीं है तो इसको अपनी टीम में ले सकते हो आप, तो लेंस मॉरिस को अपनी टीम में ले सकते हो ग्रैंड लीग में। और स्टोइनिस की बात करें तो हाइस्ट रन मार चुका है अभी तक, बिग डैश पूरी अभी तक खेल रहा है ये और बहुत अच्छा खेल रहा है ये, कंसिस्टेंट खेल रहा है, तो इसको कैप्टन वाइस कैप्टन की 3 चॉइस बनती है हमारे पे, टॉम करन, ग्लेन मैक्सवेल और ये मार्कस स्टोइनिस, तीनों पे ही फोकस करना है कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग में। ग्रैंड लीग में आपको मैंने 2-4 ऑप्शन दिए हैं वो भी देख लेना। बट यहाँ पे डेनियल वॉरियर की बात करें तो डेनियल वॉरियर एक कंसिस्टेंट विकेट टेकर है और यहाँ पे हर मैच में इसको कंप्लीट खिला ही रहे हैं और 3-4 विकेट वो पिछले सीजन में से एक मैच में 3-4 विकेट ली भी थी, सरप्राइज कर देता तो ऐसा प्लेयर है ये, मतलब इसने मैंने इसको 2 बार 5-5 विकेट लेते हुए देखा जो मार्च कप होता है उसमें, तो एक बहुत अच्छा बॉलर है ये, अच्छी बॉलिंग डालता है ये, पिछले सीज़न में बहुत अच्छी बॉलिंग की थी इसने, इस सीज़न में इतनी कोई शार्पनेस नहीं है बॉलिंग में बट अच्छा बॉलर है। तो अब आते हैं हम टीम बना, तो जो टीम आपको मैं बोल दूंगा यहाँ बनाने के लिए वो सेम टीम लगा सकते हो आप माई फाइव इलेवन, जहाँ माई ऐप में हम सारे मेरे सब्सक्राइबर मेरे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं और काफ़ी अच्छा रेगुलर विनिंग कर रहे हैं, तो आप वहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसका रेफर कोड डाल सकते हो क्योंकि आपको बोनस मिल जाएगा, प्लस विड्रॉ की मतलब विड्रॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपका पैसा सिक्योर रहेगा अगर मेरा रेफर कोड डालते हो, तो आपको कोई भी ऐप में प्रॉब्लम आती हो मेरा रेफर कोड डाला है तो आप मुझे कभी मैसेज कर सकते हो, मैं सॉल्व करवा दूंगा। और ऐप में आज तक हमारे 7-8 महीने से खेल रहे, आज तक 1 रुपये की दिक्कत किसी सब्सक्राइबर को आई नहीं जिन्होंने मेरा रेफर कोड डाला है। तो उस ऐप का रेफर कोड है SARVUT50। तो ये इसका लिंक और रेफर कोड आपको वीडियो के नीचे कमेंट में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का भी लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल में इसका लिंक और रेफर कोड दोनों मिल जाएंगे। जो जो ऐप वहाँ मैं सजेस्ट करता हूँ वो खेला करो, बहुत अच्छी अच्छी ऐप है, मैं तभी बताता हूँ आपको, ऐसे तो 1000 ऐप है पर मैं कुछ सजेस्ट क्यों करता हूँ क्योंकि मुझे बेस्ट लगती है और मैं वहाँ खेलता हूँ। तो आप आते हैं टीम बनाने पे फटाफट, सेम टीम पॉइंट सिस्टम है ड्रीम फाइव इलेवन और ड्रीम इलेवन का, सेम टीम आप यहाँ की वहाँ कॉपी कर सकते हो और इंस्टेंट विड्रॉ 10 सेकंड में देती है, सब कुछ वहाँ पे ड्रीम इलेवन जैसा है। तो यहाँ पे बात करते हैं, हम लेंगे जोश फिलिपी को, हैंड्स को महनी, यहाँ पे गॉच को आप ग्रैंड लीग में ले सकते हो, मैंने सारे प्लेयर का बता दिया पर मैं सीधा बनाऊंगा टीम। यहाँ पे हम बात करेंगे विंस को लेके जाऊंगा, इसको लेके जाऊंगा मैं, मेडिसन को लेके जाना पड़ेगा क्योंकि इसने बॉलिंग भी डालनी चालू कर दी, कार्टराइट है ये या हेनरी किसको ले सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है, सब इसको इग्नोर कर रहे हैं, ग्रैंड लीग में तो जरूर लेके जाने से, तो देखते हैं अगर इसकी जगह बनती है तो नहीं हुआ, अच्छे प्लेयर हैं हमारे पे। तो यहाँ पे बात करते हैं हम जैक्सन बर्ड को ले लेते हैं, यहाँ पे डॉशियस को ले लेते हैं, कल्टर नाइल है नहीं, यहाँ पे लमी छाने को ले लेते हैं या वॉर्डर को लेते हैं, वायरल में डेथ में बॉलिंग करेगा प्लस स्टार्टिंग में बॉलिंग करेगा, जैक्सन कोलमैन को ले सकते हैं हम, एक कंप्लीट बॉलर है, हम ऐसे ट्राई करेंगे हम कि जैक्सन बर्ड की जगह हम जैक्सन कोलमैन को लेंगे, अगर स्क्वाड में तो नाम है कल 100% खेलेगा, अगर स्क्वाड में नाम है तो खेलेगा ही। तो ये हमारी फिलहाल टीम होती है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो फटाफट जाके, और जो तो मैं इन्वेस्टमेंट अगर आपको मेरे अकॉर्डिंग करोगे तो ही जीत पाओगे, कौन से ऐप में कैसे करने तब ही जीत पाओगे, क्योंकि वहाँ पे माई फाइव लाइन पे दूसरा बात ये है कि वहाँ पे कहते हैं एंट्री फीस बहुत कम है और प्लस बैटिंग फैंटेसी प्लस बॉलिंग फैंटेसी, बैटिंग फैंटेसी मतलब 5 बैट्समैन के साथ खेल सकते हो, क्लासिक में होता है कि जो नॉर्मल ड्रीम इलेवन वाले 11 प्लेयर के साथ और बॉलिंग में 5 बॉलर के साथ, वहाँ बॉलिंग में कोई क्रेडिट की दिक्कत नहीं थी, 5 बॉलर में बहुत आरामी से खेल सकते हो। और यहाँ पे हेड टू हेड में जो 10,000 की होती है ड्रीम इलेवन आपसे 5750 रुपये लेता है, तो वो या लेता है आपसे 5195, तो यहाँ पे आपका 550 रुपये का सेविंग है बैठे बैठा है, ऐसा प्लस 5% बोनस हर लीग में यूज़ होता है आपका वहाँ, तो वहाँ पे ऑफर ही ऑफर चल रहे हैं तो खेल सकते हो। यहाँ पे हम करें जो फॉर्म में चल रहा है इस बंदे को, और यहाँ पे हम लेके जाएंगे मैक्सवेल कर लो या फिर करन को कर लो, ये ऐसा कर सकते हैं हम। तो ये जो फाइनल टीम होगी वहीं मिलेगी, टॉस देके कौन बैटिंग कर रहा है पहले, तो कैप्टन वाइस मैंने आपको सबको बता दिया कौन प्लेयर क्या कर सकता है। तो ये फिलहाल हमारी टेम्परेरी टीम है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक मार दो, रेगुलर विनिंग्स कर रहे हो सब यार,
अच्छा लगता है कि लाइक मारने पे आपका कुछ नहीं जाता ना, मुझे कुछ मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है कि यार हाँ वीडियो लोग हमारे वीडियो को पसंद कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उन सब्सक्राइबर्स के नाम लेते हैं जो भाई विनिंग्स करते हैं बट और हमारे वीडियो में कमेंट्री मारते हैं, थैंक्स हेत पटेल एंड देव रमोला एंड प्रंजल प्रकाश एंड ड्रीम इलेवन गुरु जी जो भी हैं भाई हो आप, थैंक्स। यन भाई डिमांड भी कर रहे हैं कि चार वीडियो डालो बट यार सपोर्ट करोगे तभी डलेगी क्योंकि बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है चार वीडियो बनाने के लिए, कम से कम चार वीडियो बनाने के लिए एक घंटा 1.5 घंटा बोलना पड़ता है, तो समझा करो थोड़ी मतलब कि। एंड आनंद झा थैंक यू भाई सपोर्ट बोलने के लिए, तो भाई अब समझा करो अगर कोई आपके लिए अगर इतनी अच्छी विनिंग टीम दे रहा है उसको एक वीडियो लाइक करने में और एक कमेंट करने में कुछ नहीं जाता, बाकी आपकी मर्जी है। तो अगर वीडियो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, और अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना दोस्तों के साथ अगर वीडियो अच्छी लगे तो। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जय हिंद।